चलिए विद्युत रसायन के अंतर्गत नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? तो तनुता बढ़ाने के साथ में किसी विलयन की चालकता क्यों घटती जाती है? आइए इस प्रश्न को हम जानें। तो उत्तर, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ में क्यों घटती जाती है? आइए इस प्रश्न के उत्तर को जानें। तो विलयन विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयतन, इकाई आयतन इसको हम जाने, इकाई आयतन मान लिया जाए ये कोई एक घन सेंटीमीटर है। एक घन सेंटीमीटर में यदि हम तनुता बढ़ाएंगे तो तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या दूर होती जाएगी, अर्थात आयन दूर दूर विस्थापित होते जाएंगे। अतः उस एक घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या कम होगी और आयनों की संख्या कम होने से चालकता कम होगी। तो आगे जाने हम, इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है अतः चालकता घटती है तो चालकता घटती है या घटती जाती है। हम पुनः समझ सकते हैं चित्र के माध्यम से कि मान लिया जाए ये कोई एक घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर में यदि हम तनुता बढ़ाएंगे तो तनुता बढ़ाने पर वो जो भी विद्युत अपघट्य घोला गया उसके आयन दूर होते जाएंगे अतः आयनों की संख्या कम होगी और आयनों की संख्या कम होगी तो उस एक घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या कम होगी अर्थात उस एक घन सेंटीमीटर में आयनों की संख्या कम होगी, आयनों की संख्या कम होने से चालकता भी कम होगी। अब हम कह सकते हैं विलयन के तनुता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयतन, मान लिया जाए ये इकाई आयतन है, इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है अतः चालकता घटती है, इसीलिए विलयन की चालकता तनुता के साथ में घटती जाती है।